नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सचिन बालियान चौधरी। आज मैं आपको माता शाकुंभरी देवी के मंदिर में लेकर चल रहा हूँ। मंदिर में अंदर शूट करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊँगा जहाँ तक कैमरा अलाउड है। और इस शक्तिपीठ की बहुत मान्यता है। ये मंदिर सहारनपुर में स्थित है। शक्तिपीठ शाकुंभरी, जिसका अर्थ है शक्ति देवी, शाकुंभरी या शाकुंभरी का निवास, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के उत्तर में 40 किलोमीटर की दूरी पर जसमौर गांव के क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है। मान्यता है कि माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्र सहित अन्य दिनों में रोजाना लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं। इन दिनों माँ शाकुंभरी देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ होता है। कहा जाता है कि जो भक्त माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लेते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ दूर दूर से लोग माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने आते हैं। इस सिद्धपीठ में मत्था टेकने से प्राणी सर्व सुख संपन्न हो जाता है। तीर्थ के निकट क्षेत्र में बाबा भूरा देव, छिन्नमस्ते का मंदिर, रक्त दंती का मंदिर आदि हैं। माँ शाकुंभरी देवी आदिशक्ति का ही स्वरूप हैं। सिद्धपीठ में बने माता के पावन भवन में माता शाकुंभरी देवी, भीमा, भ्रामरी, शताक्षी देवी की भव्य एवं प्राचीन मूर्ति स्थापित है। इस पवित्र शक्तिपीठ पर आपको हर दिन काफ़ी श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। काफ़ी बसेस आती हैं, काफ़ी कार्स आती हैं और दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते हैं। क्योंकि हम किसी खास दिन नहीं आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको नॉर्मल सी भीड़ दिखाई दे रही होगी। और ये जो पंडाल लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको प्रसाद लेना होता है। प्रसाद लेने के बाद माँ के दर्शन करने के लिए इसी सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। बहुत ही पवित्र फीलिंग आती है जब आप यहाँ पर आते हैं। बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ 4-5 बार आ चुका हूँ पहले। कहा जाता है कि जब दुर्गमासुर नाम के राक्षस के आतंक से तीनों लोग त्राही त्राही करने लगे, तब देवताओं के आह्वान पर माँ शाकुंभरी प्रकट हुई। इसके बाद माँ शाकुंभरी का दानवों से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें माँ ने राक्षसों का अंत तो कर दिया, लेकिन पृथ्वी पर युद्ध की वजह से हरियाली समाप्त हो गई। देवताओं की प्रार्थना पर माँ भगवती ने कंदमूल तथा साग सब्जी उत्पन्न की, जिससे मानव जाति का पोषण हो सके। इसलिए माँ भगवती को यहाँ शाकुंभरी देवी के नाम से पूजा जाता है। माता के दर्शन करने के बाद मन में काफ़ी शांति हो जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है। आपको काफ़ी पवित्रता फील होती है इस वातावरण में। आप देखिए पहाड़ों का ये जो सामने व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। सामने पहाड़ हैं, बीच में बिल्कुल मैदान है, उसके बीचों बीच माता का मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर धर्मशालाएँ बहुत हैं। यहाँ पर पुलिस चौकी भी बनी हुई है, ताकि कोई क्राइम ना हो जाए जो श्रद्धालु आए हैं उनके साथ। और ये देखिए पूरा मैदान ये पार्किंग से फुल हो जाता है। जब किसी स्पेशल दिन आप आते हैं, किसी विशेष दिन आप यहाँ पर आकर ट्रैवल करते हैं, माता के दर्शन करते हैं, तो यहाँ पर पूरा ये जो है पार्किंग भर जाती है। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। और यहाँ पर आकर वाकई में बहुत मज़ा आया। आपको भी अगर यहाँ आने के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल के व्यूवर हैं, उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है। इस सब के लिए धन्यवाद।